वंस अगेन, दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, ये वीडियो है आगे बढ़कर उठा लिया अपना तिरंगा पाकिस्तान सुन। सो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं हिंदुस्तान स्पेशल का ये वीडियो। नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड ये वीडियो है और जो है जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा गिरा हुआ था शायद जमीन पर, जो कि उन्होंने उठाया और उठाकर जो है उसको एक रिस्पेक्ट दी, और उसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है वो चलकर देख लेते हैं इस वीडियो को। सो यस, हियर वी गो। आज जो समिट हो रही है तो उसकी देखते हैं कि क्या उसमें कोई मुलाकात होती है नहीं होती, लेकिन जो तस्वीर आई सामने जो वहाँ का एक कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हो रही है। जैसे ही पीएम मोदी मंच पर चढ़ते हैं उनकी नज़र सामने मंच पर गिरे भारतीय झंडे पर पड़ती है। बस फिर क्या था, पीएम मोदी फोटो खिंचवाने से पहले तुरंत अपने तिरंगे झंडे को उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है आज की जो खबरें। क्या वजह है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिन ब दिन फैन क्यों बनते जा रहे हैं? बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका के अंदर से। गाइस, साउथ अफ्रीका ने 67 कंट्रीज को इन्वाइट किया है, आओ मिल बैठ के बातचीत करते हैं। तो गाइस, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस मीटिंग के अंदर इनविटेशन नहीं दिया गया। पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में इनवाइट नहीं किया गया, इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में क्या राय रखते हैं? कि क्या वजूहत है कि दुनिया हमारा बायकॉट कर रही है, कोई भी हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, हर कोई हमारा बायकॉट क्यों कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है वर्ल्ड वाइड के अंदर, इंडिया की ज्यादा क्यों है? अच्छा, नरेंद्र मोदी जो है जितनी उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल, वो काफी अरसे से, यानी कि एक तो उनका अपना नजरिया है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसी दौरान बुधवार को ग्रुप फोटो के समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब जमीन पर भारतीय तिरंगे को देखा तो यह सुनिश्चित किया कि कोई उस पर कदम ना रखे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तिरंगे को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी कुछ ऐसा ही किया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और रूस के विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचवाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुधवार को जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र में हिस्सा लिया था। इस सत्र में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग जैसे खूबसूरत शहर में एक बार फिर आना मेरे और मेरे प्रतिनिधि मंडल के लिए खुशी की बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्रिक्स में जमीन पर पड़े तिरंगे को अपनी जेब में रखना, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखे कि अपने झंडे का सम्मान कैसे किया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि तमाम के तमाम मुल्क जो है आजकल ब्रिक्स समिट को अटेंड करे, जिसमें 40 तो वहां पर मौजूद हैं, और ब्रिक्स समिट को जो है एक्सपेंड करने की भी बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है आज की जो खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिव्य कुमार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में इन्वाइट नहीं किया गया और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा अफसरदा और खतरनाक बात है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को हर फोरम से एलिमिनेट कर रही है। दिव्य, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो, कैसे हैं आप? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे? आई एम फाइन। क्या कहेंगे, पाकिस्तान को ब्रिक्स समिट में इनवाइट नहीं किया गया, इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में क्या राय रखते हैं? देखें, ऐसे समिट्स में आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, इसमें इनविटेशन ही होती है। तो जो मुल्क वहां पे गए हैं ना, उन्होंने अप्लाई किया है तो उनको इनविटेशन आई है, पहली चीज तो ये। तो अब तक हमें यही नहीं पता कि पाकिस्तान ने अप्लाई किया भी है कि नहीं किया, क्योंकि इधर तो सारी चीजें खुफिया ही चलती हैं, तो कुछ पता ही नहीं है। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, माने ब्रिक्स प्लस में वैसी बात है पाकिस्तान मेंबर बनेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल बनता भी है, छोटा मेंबर बनेगा, मेन मेंबर तो यही पांच होंगे, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया। जो मेन मेंबर है उनको $20 बिलियन जमा करवाने होते हैं ब्रिक्स की बैंक में, ठीक है। अब यूएई जो है, यूएई छोटा मेंबर है, उसने भी $10 बिलियन जमा करवाया। मैं कहता हूँ 10 को भी छोड़ो, पाकिस्तान 5 भी जमा करवा सकता है,
पूरे मुल्क में 5 ही पड़ा हुआ वो ब्रिक्स को दे देंगे तो अपना तो दिवालिया निकल जाएगा। बस तो फिर ये पहला पहला रीजन ये, दूसरा के उन्होंने इनविटेशन दी भी है कि नहीं दी ये नहीं पता, ओ सॉरी एप्लीकेशन, तो फिर इनविटेशन की बात आएगी ना, हमें तो अब तक यही नहीं पता कि अप्लाई भी किया है कि नहीं किया, उसी पे 50-50 कुछ कहते हैं किया है कुछ कहते हैं नहीं किया है, तो पहले हमें वो कंफर्म। तीसरी चीज, आप कभी ब्रिक्स की फिलॉसफी को पढ़े कि ये फोरम क्यों बना था, इस फोरम का बनने की वजह क्या थी, इस फोरम की बनने की वजह यह थी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जो फ्यूचर में डेवलप्ड हो जाएंगी, ये उनका फोरम था, उसके अंदर ये 5 थी। पाकिस्तान आपको कहीं से भी डेवलपिंग नजर आ रहा है? नहीं। तो वो ब्रिक्स के भी नहीं रहा सिंपल, तो जो ब्रिक्स का अपना क्राइटेरिया है फिलोसफी है वो उस पे नहीं उतर रहा। फॉर एग्जांपल अगर उस पे उतर भी जाता है तो क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है 10 बिलियन की 5 बिलियन की, वो भी नहीं कर सकता। तीसरी चीज, उसने अप्लाई भी किया है कभी, उसी पे 50-50 हमें यही नहीं पता अप्लाई किया भी है कि नहीं किया। पाकिस्तानी को पता नहीं, पता भी है नहीं पता साउथ अफ्रीका कहाँ पड़ता है, तो ये भी एक बड़ा इशू है क्योंकि हमारे तो आज तक ना कोई सदर गए, कोई नहीं गया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं गया पिछले 75 सालों में, मुझे फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता लेकिन ये दोनों तो नहीं गए, मेन हेड ऑफ द स्टेट्स दोनों में से कोई भी नहीं गया, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट और हाँ वो नहीं गए। तो अब ये सारी चीजें हैं, तो आप अब देख, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है ब्रिक्स में पैलेस्टीन को बुलाया, पैलेस्टीन को बुलाया बिल्कुल, पैलेस्टीन की इकोनॉमी के हालात आपको पता है पाकिस्तान से बेहतर है, पैलेस्टीन में लिटरेसी रेट 90 समथिंग 89 है, पाकिस्तान में 51 है, पैलेस्टीन की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा है, उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट पाकिस्तान से बेहतर है, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो पाकिस्तान से बेहतर है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है। मैं आपको एक और चीज सुना दूं, पैलेस्टीन में औरतें पाकिस्तान से ज्यादा सिक्योर है, पैलेस्टीन का पासपोर्ट करीब 20 नंबर ऊपर है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानियों को पैलेस्टीन का बड़ा दर्द है, यही कहना चाहूंगा आकर। और देखने वो भी एक्चुअली हमारे पास सिविक कंपैरिजन करने के लिए कोई आइटम नहीं बची, कोई चीज हमारे मुल्क में बची नहीं है कि हम के हाँ इसका और उसका कंपेयर करके देख लो। आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका के अंदर से, गाइस साउथ अफ्रीका ने 67 कंट्रीज को इनवाइट किया है, आओ मिल बैठ के बातचीत करते हैं वर्ल्ड के हवाले से, दुनिया के हवाले से, और अफ्रीका के अपने भी मसाइल हैं उसके बारे में भी बातचीत होगी इस मीटिंग के अंदर। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस मीटिंग के अंदर इनविटेशन नहीं दिया गया, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि दुनिया हमारा बायकॉट कर रही है, कोई भी हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, हर कोई हमारा बायकॉट क्यों कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है वर्ल्ड वाइड के अंदर, इंडिया की ज़्यादा क्यों है, इस सवाल का जवाब लेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आइए मेरे साथ चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के जानिब, उनकी राय लेते हैं, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। नाम आपका? अजी मुख्तार अहमद, ओवरसीयर पाकिस्तान जी, 1 ईयर फॉर दुबई और 27 ईयर फॉर सऊदी अरब, एसी मैकेनिक हूँ और अभी मैं 1.5 साल से रक्षा चला रहा हूँ पाकिस्तान में जी। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है कौम के मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, आजकल जो मुल्क के हालात पैदा हुए हैं ये हमारे खुद करदा और दूसरे क्राइसिस की वजह से हुए हैं, दुबई में भी आए हैं क्राइसिस, सऊदीया में भी आए हैं, वहाँ पे भी लोग महाजर हुए और करोड़ों लाखों का नुकसान किया, लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसके बाद चीफ जस्टिस है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था ना पाकिस्तान की जो सिचुएशन करंटली आप देखें तो चल रही है, तो उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है। आज अगर हम दूर नहीं जाते, हमारे पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, तो आज वो चांद पर पहुंच गया है और मीटिंग्स वगैरह पर उनको इनवाइट किया जाता है और वो खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं दुनिया की जो है सरगर्मियों में, अपने आप को इन्वॉल्व रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं पर लैग कर रहा है इन सारी सिचुएशंस के ऊपर। पाकिस्तान इज ट्राइंग नॉट ट्राइंग इवन, मुझे नहीं लगता कि जैसे आप देखें तो आप देखें तो एक मीटिंग थी उसमें
जो पाकिस्तान है वो गया हुआ गया नहीं उस अमेरिका यूएसए में, जबकि इंडिया जो है, इंडिया से नरेंद्र मोदी जो हैं वो वहां पर गए हुए थे, और उनकी अपनी जो एस जय शंकर सर हैं वो जाते हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं जो वहां पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन वहीं पर ही अगर हम पाकिस्तान की तरफ से देखें तो इस तरह का कोई इंटरेस्ट हमें, खास इंटरेस्ट जो है वो हमें नज़र नहीं आता लोगों के बीच में। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा अलमिया है जो कि हम ये कह सकते हैं कि अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देखकर, दुख भी होता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकली हम इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। एक वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि हम लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, पूरी दुनिया से अलग कर लिया है, हम एक अलग दायरे में अपने आप को रख लिया है जिसमें हम कहते हैं कि बस हम हैं और हमारा जो है सिस्टम है और कुछ नहीं। और जब IMF की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो फिर हम पूरी दुनिया के आगे रूबरू हो जाते हैं। शायद ये भी वजह है कि हम आज इतने क्राइसिस में डूबे हुए हैं और हम आगे बढ़ने के बजाय हम बहुत ही ज़्यादा पीछे भी जा रहे हैं। आज अगर हम फोकस करें डेवलपमेंट की तरफ तो डेवलपमेंट में हम किसी चीज़ में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो जज्बा में हम कंपैरिजन बिल्कुल कर सकते हैं। वहीं पर ही अगर मोदी जी की अगर हम बात करें, देखो वो बंदा ऐसा है कि अपनी कंट्री को कहीं पर भी लेट डाउन नहीं होने देता। आज अगर आप देखें तो तिरंगा अगर ज़मीन पे गिरा है तो उसकी रिस्पेक्ट कम ना हो, उसको फौरन उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। ये होती है अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट, ये होता है प्यार, ये होता है दिल में एहसास कि यार नहीं, ये हमारी कंट्री है, इसको मैंने आगे लेकर चलना है। वही चीज़ आज हम देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ये सारी चीज़ें देख कर के अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को इतने अच्छे तरीके से कि पूरी दुनिया सलाम करने पे मजबूर हो जाती है। सो दोस्तों इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं तो लास्ट वाले अंकल की बात सुनकर हैरान हुई हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं रिक्शा पहले UAE में काम करता था, अब पाकिस्तान में आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ AC वगैरह का, लेकिन मतलब AC वगैरह का काम करता हूँ, लेकिन आज वो रिक्शा चला रहे हैं। मतलब जॉब्स भी नहीं है, लोग दिरहम कहाँ पहुँच गया है, महंगाई होती जा रही है, कोई हाल नहीं है। तो मैं तो सोच के हैरान हूँ कि अब क्या बनेगा इस कंट्री का। ये तो श्रीलंका से भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है कंट्री, अब तो बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं इस गरीब आवाम के लिए। बाकी महंगाई और बिल, आप जहां 2000 आता था वहां पर आपको 8,500-9,000 बिल आ रहा है, तो सिर्फ पंखा और लाइट जलाने का ही इतना बिल है, तो आप सोचें कि फिर क्या बंदा कर सकता है। तो खैर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।